Okay, now let us discuss some of the characteristics of meristematic tissue. Now, meristematic cells, I just now discussed that meristematic cells are highly totipotent cells. They have ability to divide continuously because the complete duty is on these cells to make a new plant body. अगर ये divide ना करे तो नई plant body का formation ना हो. Early embryonal cell में सभी cells में हाईली टोटिपोटेंट एक्टिविटी होती है जिसके चलते फिर फर्दर प्राइमरी मेरिस्टम्स बनते हैं. पहली ही प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, दे आर हाईली टोटिपोटेंट सेल्स. दीज आर हाईली टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब है दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. सॉरी, देयर वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन माय बोर्ड आई थिंक. So these are highly totipotent cells, means they have a good ability to divide continuously. Now because these are continuously dividing, they need to have very dense protoplasm. ऐसा cell जिसको divide होना है continuously, उसका protoplasmic material बहुत ज़्यादा dense होना चाहिए, उसका nuclear material dense होना चाहिए, क्योंकि division के लिए आप जानते हैं karyokinesis followed by cytokinesis, protoplasmic content should be very good. So, इन सेल्स में डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए. पहले न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तब जाकर दो सेल्स बनते हैं, और इसीलिए प्रोटोप्लाज्म का डेंस होना जरूरी है. देन दे आइदर हैव स्मॉल और नो वैक्यूल. इन सेल्स में या तो वैक्यूल बहुत छोटे होंगे, नेग्लिजिबल साइज के होंगे, या तो नहीं भी होंगे, क्योंकि वैक्यूल की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज दीज आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, दे नीड नॉट टू स्टोर फूड, रैदर दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस फूड एज सच. ये बहुत ज्यादा फूड भी नहीं बनाते हैं इनिशियल स्टेजेस में. कॉटिलिडन ऑलरेडी, जिसमें बहुत सारा एंडोस्पर्म स्टोर्ड है, वो इनिशियल प्रो एम्ब्रियोनल मेरिस्टमैटिक सेल्स को, प्रीमॉर्डियल मेरिस्टमैटिक सेल्स को फूड प्रोवाइड करती है. स्लोली ग्रेजुअली जब ये प्रीमॉर्डियल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम कन्वर्ट होते हैं, तब धीरे धीरे इनके पास अपने प्लास्टिड्स बनने शुरू होते हैं. इनिशियल स्टेज पर इनके पास प्लास्टिड्स भी नहीं है, और इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का खाना ये बनाएंगे नहीं. नहीं बनाएंगे तो वैक्यूल, देर इज नो नीड ऑफ हैविंग वैक्यूल और वेस्टिंग द प्लेस इन मेकिंग अ बिग वैक्यूल, बिकॉज ये छोटे छोटे रहेंगे, कॉम्पैक्टली पैक रहेंगे और जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे. They, here goes my next point that these are small size and no intracellular spaces. आप देख सकते हैं ये सारे cells बेटा isodiametric size के होते हैं. सभी cells एक समान होते हैं, सभी cells एक समान होते हैं, और ये cells काफी compactly packed होते हैं. इनमें intracellular spaces नहीं होती. इनमें कुछ communication के लिए कुछ protoplasmic bridges भी नहीं होते. प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, राइट? बिकॉज इनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है, बस इतनी ही ड्यूटी इन सेल्स को मिली हुई है. क्लियर? सो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. नाउ अगर इनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना है तो इनकी सेल वॉल थिक ना हो, इनकी सेल वॉल क्वाइट थिन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा थिक सेल वॉल होगी उतना वो रेजिस्ट करेगी सेल डिविजन करने के लिए. So they have no intracellular space as well as their cell wall are quite very thin. I think this is clear. These cells are metabolically very very active. I think you can see the last points written on the board. Okay, these are metabolically very active cells. Definitely इनका metabolic rate काफी fast होगा, क्योंकि इनको जो duty दी गई है that is about to divide and divide continuously. So they need to do their metabolism very fast. They have colorless proplastids. अभी मैंने बताया proplastids हैं. इनके पास plastids की initial developmental stage है. Proper plastids भी इनके पास, chloroplast भी इनके पास अभी तक नहीं बने हैं. So colorless protoplastids हैं, proplastids हैं. Chloroplast इनके पास नहीं है. Chloroplast आप जानते हैं green color के plastids, और हम यहाँ बोल रहे हैं इनके पास colorless proplastids हैं. And they don't have any ergastic material. Ergastic material means like secondary metabolites. Plants में resins होते हैं, gums होते हैं, latex होते हैं, अलग type के कुछ और secondary metabolites, alkaloids होते हैं, terpenoids होते हैं.
जिनकी एडिबल वैल्यू होती है, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन ये सब कब डेवलप होंगे, जब सेल्स अपने आप में कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जब शायद वो परमानेंट बन जाएंगे, तब ये धीरे धीरे अपने अंदर से ये कुछ इर्गास्टिक मटेरियल बनाने शुरू करते हैं। लेकिन ये तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, तो इनके अंदर अगर कुछ बनता भी है तो वो किसी काम का नहीं, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। सो दीज सेल्स डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी इन मेकिंग एनी ऑफ सच इर्गास्टिक मटीरियल। इर्गास्टिक मटीरियल मीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बनना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स जैसे, उनको इर्गास्टिक मटीरियल कहते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टेमेटिक टिश्यूज़।